हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। सो फाइनली फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो फाइनली फ्रेंड्स, आज मैं एक और नया कुल्हाड़ आपके बीच में लेके आया हूँ, वो मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा और सिखाऊंगा फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आज मैं एक और नया जो कुल्हाड़ लेकर आया हूँ, उसको मैं आपको इस तरह से दिखाऊंगा कि भाई बहुत ज़्यादा ईजी वे से आप इसको ईजिली आप घर पर भी बना सकते हो। अगर कोई भी आप कहीं से भी आप फ्रेम परचेज करके, कहीं से ऑल ओवर मार्केट से कहीं से भी आप फ्रेम परचेज करके विद द हेल्प ऑफ स्टेपलर, मैं आपको स्टेपलर दिखा देता हूँ, विद द हेल्प ऑफ ओनली स्टेपलर आप कोलार्ज बना सकते हो घर पर बैठ के। सो फाइनली फ्रेंड्स, मैं वीडियो को आगे जारी रखता हूँ। सो मैं आपको एक बार पहले कोलार्ज दिखा देता हूँ आपको। सो फाइनली फ्रेंड्स, ये देखिए, इस तरह का आप कोई भी एक कोलार्ज आप बना सकते हो। इसकी जो फोटोज़ की जो डायमेंशन है वो वाइड में रहेगी, जो फोटोज़ हैं वो हमारे प्रॉपर वाइड में रहेंगे, जैसा आप देख पा रहे हो। इसके अंदर आप कोई भी साइज़ आप लगा सकते हो, जैसे मैंने इसके अंदर 5x7 इंच का यूज़ किया साइज, आप इसके अंदर 4x6 भी यूज़ कर सकते हो, आप इसको 8x12 इंच भी आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हो। सो मैंने 3 फोटोज़ का ये कोलार्ज बनाया है, इसको आप इजीली घर पर और कहीं पर भी बना सकते हो। अगर मेरा कोई भी भाई जैसे फोटोग्राफर है, वो कोलार्ज बनाना चाहता है अपने घर पर, अपनी शॉप पर, सो फ्रेंड्स वो इजीली विद द हेल्प ऑफ जस्ट स्टेपलर वो अपना कोलार्ज बना सकता है। और ये इसके जो कोलार्ज बनने के बाद, रेडी होने के बाद, इजीली मार्केट में उसको एक अच्छा बेनिफिट और अच्छा एक प्राइस भी उसको मिल जाएगा। सो फाइनली फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ ये हमने बनाया कैसे है। सो इस तरह का हमने मार्केट से परचेज किया है, ये रस्सी हमने जो परचेज किया है, इसको हम वुडन कलर का जो रस्सी है हमने इसके लिए यूज़ की है। फर्स्ट इन केस मैंने जो अपने जो कल जो हमारे फ्रेम्स थे, 3 फ्रेम्स थे, उनको हमने स्ट्रेट में स्ट्रेट रखा विद द हेल्प ऑफ इफ़ एनी मोल्डिंग, उसको मैंने स्ट्रेट रखा। इस स्ट्रेट रखने के बाद इसमें मैंने गैप था, जो गैप भी मैंने इक्वल दिया। इक्वल गैप देने के बाद मैंने जो रस्सी लगाई इधर से इधर, मैंने इक्वल यहाँ पर लटकाने के लिए हमने इसको गैप भी इक्वल दिया यहाँ पर भी, ताकि इसको हाइट वाइड प्रॉपर जो रहे, इसके जो इसका जो वेट है वो प्रॉपर सेंटर में रहे। और अगेन मैं आपको शो करा दूं, हमने जो अपनी जो वीडियो के अंदर जो मैंने आपको बताया कि भाई विद द हेल्प ऑफ स्टेपलर हमने जस्ट कोलार्ज बना दिया, वो मैं आपको दिखा देता हूं पिनिंग लगा के। इस तरह से हमने पिनिंग लगाकर अपना जो ये कोलार्ज है ये प्रॉपर बना दिया। ये देखिए फ्रेंड्स, जिस तरह की जो हमने अपना प्रॉपर एक कोलार्ज बना दिया विद द हेल्प ऑफ स्टेपलर। अगर आप कोई चाहता है कि भाई अपने एंड पर कोलार्ज बनाना, सो फ्रेंड्स वो इजीली अपने घर पर इजीली कोलार्ज बना सकता है फ्रेंड्स। सो जस्ट हमने विद द हेल्प ऑफ स्टेपलर पिंस आप देख पा रहे हैं, मैं कहूँगा एक बार नज़दीक से दिखाएँ, विद द हेल्प ऑफ स्टेपलर पिंस हमने इस कोलार्ज को बनाया है, अगर कोई भाई चाहे। बट इसके अंदर ये करना पड़ेगा आपको, जो 4 पिंस आपको इसके अंदर लगानी पड़ेंगी मिनिमम, जिनको एक सिंगल साइड नीचे और सिंगल ऊपर और सिंगल नीचे। एक्स्ट्रा के लिए आप सेंटर में भी 2-3 पिंस मार सकते हो, मतलब इससे अपना ये रहेगा कि वेट जो हमारे कोलार्ज का रहेगा, अगर हम उसको ऐसे जैसे हमारा कोलार्ज है वो ईजिली रुक जाएगा हमारा, कहीं पर भी हम लगाएंगे तो फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आपको ये कोलार्ज कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर से ज़रूर बताएं, और आप हमारी वीडियो को ऐसे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।